का ये यूपीआई पेमेंट ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरह के स्मार्टफोन्स पर चलेगा और इसके लिए गूगल ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक के साथ करार किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं चार बैंकों से आपको सेवाएं मिल पाएंगी। सभी 55 बैंक्स यूपीआई को सपोर्ट करते हैं और उन सभी से आप पैसे रिसीव या फिर उसे भेज सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद देश में कैशलेस ट्रांजैक्शंस में तेजी आई थी, जिससे पेटीएम समेत कई प्लेयर्स को फायदा भी मिला था। गूगल के डिजिटल ट्रांजैक्शंस के स्पेस में उतरने के बाद एक तरह से 95% एंड्रॉयड फोन्स पर एक झटके में गूगल तेज ऐप का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा, सुनिए। द एक्सरसाइज दैट गूगल इज अंडरटेकन टूडे, आई थिंक इन एडिशन टू द इंटायर एफर्ट of the UPI platform itself, various government moves in this direction, I think is going to, over the pace of the next few months, going to make a major advance in that direction. And I think now time has come with an application as simple as this, that what started as a compulsion becomes a matter of convenience and eventually a matter of spending habit as far as Indian people are concerned.